चाइना ने अंतरिक्ष मामलों में जैसे तेजी दिखाई है, उससे क्यों लगता है चाइना अमेरिका और भारत के लिए अंतरिक्ष में एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज बन गया है? तो क्या इसी वजह से अब अगला युद्ध धरती पर नहीं स्पेस में होगा? क्यों दुनिया के सारे देश स्पेस फोर्स बना रहे हैं? चाइना किन चालों को चलकर इतनी तेजी से स्पेस में अपनी पैठ बना रहा है, जिसका आगे चलकर बहुत ही खतरनाक अंजाम होने वाला है, देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए मिशन की जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। चाइना अमेरिका को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, जबकि वहीं अमेरिका चाइना को अपने खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती मानता है। अब तो दोनों देशों की एक्टिविटीज को देखकर लग रहा है कि ये संघर्ष स्पेस के स्तर तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध धरती पर नहीं अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। इसे देखते हुए दुनिया के कई देशों ने सैटेलाइट लॉन्चिंग तेज कर दी है, और इसी के साथ सभी देश अंतरिक्ष में अपनी अपनी ताकत तेज करने में लगे हुए हैं। दुनिया में कुछ समय पहले तक सिर्फ रशिया के पास ही स्पेस फोर्स थी। इसके बाद चाइना और अमेरिका ने भी खुद को इस स्पेस वॉर के लिए तैयार कर लिया है। इसे आप आसान भाषा में एस्ट्रोनॉट सोल्जर के तौर पर समझ सकते हैं, यानी ऐसे कॉम्बैट सोल्जर्स जो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भी ट्रेन होंगे, लेकिन हकीकत में ये सोल्जर्स एक्चुअली स्पेस में तैनात नहीं होंगे, बल्कि अमेरिकन सैटेलाइट्स और अदर स्पेस व्हीकल्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। space.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से अमेरिका, चाइना और रशिया अंतरिक्ष में हथियारों की रेस में लगे हुए हैं। इसीलिए जो सैटेलाइट आर्म्ड नहीं भी है, उन्हें भी इस युद्ध में शामिल होने लायक बनाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की स्पेस फोर्स के गठन से यह तय हो गया है कि स्पेस भी एक युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? चाइना अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियान ही बना रहा है, जबकि इस समय अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को दुनिया के 5 देशों ने मिलकर बनाया है। इस स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए चाइना ने 2021 से 2022 के बीच 11 बार स्पेस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की प्लानिंग की है, जिसमें से 3 मिशन पूरे हो चुके हैं। अभी हाल ही में उसने शेनझू 12 मानव मिशन स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया। वो तियानजू 2 कार्गो शिप को पहले ही स्पेस में भेज चुका है। चाइना 2022 तक 10 ऐसे और मॉड्यूल लॉन्च करना चाहता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि ड्रैगन धरती के साथ स्पेस में भी अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। अमेरिका पहले ही आशंका जता चुका है कि चाइना भविष्य में अपने स्पेस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका और कई देशों की जासूसी करना चाहता है। अभी तक स्पेस में अमेरिका का वर्चस्व यानी डोमिनेशन था, और वो उसका फायदा भी उठा रहा था, लेकिन अब अमेरिका चाइना पर अंतरिक्ष में जासूसी के आरोप लगा रहा है, क्योंकि यही काम पिछले कई सालों से अमेरिका भी करता आ रहा है। दरअसल चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA सेना का अंग है, इसीलिए वो हर स्पेस प्रोजेक्ट के लिए सेना के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी है। यूं तो चाइना अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइना की तरक्की चौंकाने वाली है। इसे देखते हुए अमेरिका ने हाल ही में एक बिल पेश किया, जो चाइना से पूरी दुनिया को होने वाले खतरों के रूप में पेश किया गया है, और कहा गया कि एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना के तेजी से बढ़ते कदमों को रोक सकता है। फिलहाल इस बिल में कही गई बातों से चाइना को बहुत तेज मिर्ची लगी है। ताइवान भी पहले ही अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से मना कर चुका है जिसमें नेविगेशन के लिए चाइनीज सॉफ्टवेयर बेडू इंस्टॉल है, क्योंकि चाइना के इस नेटवर्क के जरिए जरूरी सूचनाएं चाइनीज आर्मी व चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है। बेडू नेटवर्क अमेरिका के वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के विकल्प के रूप में बनाया गया है। अमेरिका अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ युद्ध में स्पेस कैपेसिटी का इस्तेमाल पहले ही कर चुका था। इसी को देखते हुए चाइना ने साल 2005 में पहले एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग की शुरुआत की। इसके अलावा चाइना लेजर बीम का प्रयोग भी कर चुका है, और जो किसी भी व्यक्ति के कपड़े और त्वचा को 1 किलोमीटर दूर से जला सकती है। इसके अलावा ये एनर्जी बीम कांच की खिड़की को भी पार कर लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। रशिया और चाइना दो बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर अमेरिका के सामने न केवल
स्पेस बल्कि सेना के मामले भी चुनौती पेश करते हैं। 2015 में चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तैयार की थी जो उसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े वॉर मिशन में काफी मदद करती है। एक भयंकर खतरनाक महामारी जिसकी शुरुआत चाइना से हुई उसी पर इस बीमारी का बेहद कम असर पड़ा है, इसीलिए चाइना कोविड-19 के प्रकोप से बचकर लगातार स्पेस प्रोग्राम में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। उसके लगातार होते स्पेस प्रोग्राम ने अंतरिक्ष मिशन में आगे रहने वाले देशों की नींदें उड़ा दी हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक जब से चाइना ने भारत के मंगल ग्रह मिशन की सफलता देखी है तब से चाइना ने अपना स्पेस प्रोग्राम बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना के स्पेस में बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा मानती है, क्योंकि चाइनीज साइंटिस्ट और कंपनियां केवल दूसरे देशों का रिसर्च डेटा ही नहीं चुराती बल्कि जासूसी भी करती है। अमेरिका का दावा है कि चाइनीज ऑफिसर और साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च और अन्य तरह की टेक्नोलॉजी की भी चोरी करते हैं। दरअसल अमेरिका और अदर कंट्रीज रिसर्च ही करते रह जाते हैं तब तक चाइना उसी रिसर्च के आधार पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचा देता है। चाइना अपना स्वदेशी विमान बना चुका है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन भी चाइना बना चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि बिग डेटा, रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी चाइना दुनिया के टॉप पर पहुंच रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कह चुके हैं कि वो अब चाइना के सस्ते जूते, कपड़े, खिलौने सप्लाई करने वाली इमेज बदलकर अब चाइना को साइबर पावर बनाना चाहते हैं। चाइना के साथ अमेरिका के जो रिलेशन है वो ऐसी कगार पर पहुंच चुके हैं कि अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन, इन दोनों देशों के बीच संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला। अब तो टेक्नोलॉजी के वर्चस्व को लेकर ये गतिरोध और भी बढ़ने लगा है। 2007 में जब चाइना ने धरती से मिसाइल दागकर अपने ही पुराने पड़ चुके मौसम उपग्रह को उड़ा दिया था तब चाइना के इस हरकत पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने नाराजगी जताई थी, जबकि इससे पहले रूस और अमेरिका भी 80 के दशक में पुराने पड़ चुके सैटेलाइट को धरती से मिसाइल के जरिए नष्ट कर चुके थे। इसके बाद चाइना ने अर्थ ऑर्बिट में 2013 में एक रॉकेट दागा जिससे दूसरे देशों के सैटेलाइट को खतरा हो सकता था, जो ये दर्शाता है कि ये देश भविष्य में दुश्मन देशों के सैटेलाइट को धरती से मिसाइल के जरिए नष्ट कर सकते हैं। जरा सी चूक वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। स्पेस में अपनी धाक जमाने के लिए अमेरिका, चाइना और रशिया की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं कि भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बन गया है। अब चाइना और पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत के राडार से बच नहीं सकेंगी। चाइना के अंतरिक्ष की तरफ तेजी से बढ़ते कदमों को देखते हुए अमेरिका ने कई मामलों में चाइना पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका टेक्नोलॉजी पर अपनी फर्स्ट पोजीशन खोना नहीं चाहता, लेकिन चाइना आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है कि वो हर तरफ का मुकाबला करने को तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बार अंतरिक्ष में चाइनीज स्पेस स्टेशन बन जाने के बाद चाइना अन्य ग्रह और उपग्रह तक पहुंचने के लिए अपने अभियान तेज करेगा। देखा जाए तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना बहुत पहले 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में हो गई थी। इसके 11 साल बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई, तो वहीं सबसे बाद में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA का गठन 22 अप्रैल 1993 में हुआ। अपने स्थापना के 10 वर्षों बाद ही पहली बार CNSA ने अक्टूबर 2003 में एक मानव मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई को शेनझू 5 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में पहली बार भेजा, और इसी के साथ तब रशिया, अमेरिका और यूके के बाद चाइना अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला देश बना। जबकि भारत के इसरो की स्थापना चाइना से बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी भारत का स्पेस में कोई भी मानव मिशन नहीं हुआ। हालांकि राकेश वर्मा 1984 में 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वो सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत सोवियत के सोयूज रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए थे। वैसे भारत का प्रस्तावित अगला मानव मिशन गगनयान है, जिसे पिछले कई सालों से अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चाइना द्वारा फैलाई गई एक भयंकर खतरनाक महामारी के कारण भारत के सारे स्पेस मिशन टाले जा रहे हैं। चाहे वो भारत का अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला स्पेस स्टेशन हो या चंद्रयान 3 मिशन या मार्स मिशन हो, सभी भारतीय मिशन को कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने थाम दिया है। इस बारे में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने माना
कि महामारी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अब जल्द ही कोविड 19 की समस्या का समाधान करके गगनयान समेत बाकी स्पेस मिशन पूरे किए जाएंगे। इसीलिए अब भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारियां तेज हो गई है। इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट चुने गए हैं, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर 15 अगस्त 2022 में इन 4 लोगों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे रिलेटेड एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। एस्ट्रोनॉट की रशिया में चल रही ट्रेनिंग जल्द ही खत्म होने वाली है, जिसके बाद भारत में उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। 2018 से अब तक लगातार चाइना ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजे हैं। चाइना का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ संख्या के मामले में ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल और लॉन्चिंग पैड को लेकर भी इम्पोर्टेंट है। 4 सितम्बर 2020 को चाइना का RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च किया गया, तब चाइना ने RLV के बारे में कोई भी डिटेल्स पब्लिक नहीं की, इसीलिए दुनिया ज्यादा इस बारे में जान नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में चाइना लगातार स्पेस प्रोग्राम में इतनी जल्दी सफल कैसे हो रहा है। इसका जवाब है, नंबर 1, स्पेस में चाइना के टेक्नोलॉजी बेस्ड मिशन की लॉन्चिंग रफ्तार। नंबर 2, कम कॉस्ट वाले चाइनीज सैटेलाइट। नंबर 3, चाइना की रेजोल्यूशन लॉन्च व्हीकल RLV का सफल परीक्षण। अब अगर भारत इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में मुकाबला करने और अपने लिए जगह बनाने का इरादा रखता है, तो जरूरी है कि इसरो न सिर्फ गुड क्वालिटी मिशन पर ध्यान दे, बल्कि मिशन की तादाद में भी इजाफा बेहद जरूरी है। किसी भी देश के स्पेस प्रोग्राम की वर्किंग कैपेसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उस देश की स्पेस एजेंसी ने कितने सैटेलाइट कामयाबी से अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। पहले कभी इसरो भी इंटरनेशनल स्पेस मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन इसरो के पास स्पेस मिशन लॉन्चिंग सेंटर की संख्या बहुत कम है। वैसे स्पेस क्षेत्र में इसरो की उपलब्धियां बेहद शानदार रही हैं, लेकिन अब फिर से स्पेस प्रोजेक्ट में कुछ अनोखा और शानदार करके दुनिया को चौंकाने की जरूरत है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी इसरो के स्पेस प्रोग्राम में अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। इसरो के कामयाबी का सबसे बड़ा योगदान PSLV व्हीकल है। अगले 5 वर्षों में इसरो के स्पेस मिशन की तादाद दुगना होने की संभावना है। यही वजह है कि अब खुद का स्पेस स्टेशन बनाना लंबे समय से इसरो के एजेंडे में है, और ये जरूरी भी है। अमेरिका, रूस और UK के बाद चाइना चौथा ऐसा देश है जिसके पास मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता है। वैसे तो चंद्रमा पर चाइना के 2 ऑर्बिटर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय चंद्रयान फर्स्ट ने 2008 में पहले ही मौके पर चांद पर पानी खोजकर सदी की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हम तक पहुंचाई थी। लेकिन अफसोस, इसके बाद भी इतने सालों तक भारत का अब तक कोई ऐसा चंद्र मिशन नहीं हो पाया जिस पर हम गर्व कर सके। 2011 में चाइना ने रशिया के साथ मिलकर अपना मार्स मिशन हिंगहुयो 1 लॉन्च किया था, जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर ही नहीं जा पाया, जबकि इसरो का 2014 में लॉन्च हुआ मंगलयान अपने पहले ही प्रयासों में मार्स तक पहुंचकर दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। लेकिन यहाँ भी एक अफसोस की बात यह है कि इसके बाद अगला भारत का कोई भी मार्स मिशन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जबकि चाइना ने 2020 में मार्स मिशन तियानवेन के जरिए रोवर जुरोंग के मंगल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई, जिसके जरिए ही मंगल ग्रह पर बर्फीले यूटोपिया का पता लगाया जा सकेगा। यहाँ तक कि चाइना ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाकर उस पर अपने 3 एस्ट्रोनॉट भी भेज दिए हैं। इसी के साथ अंतरिक्ष में उसका ये 7वां मानव मिशन है। इसके जरिए चाइना दुनिया पर नजर रखेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों भारत एक धमाकेदार बड़ी सफलता मिलने के बावजूद लंबे अरसे के लिए शांत बैठा जाता है। कहीं भारत का ये डुलमुल रवैया उसे स्पेस कंपटीशन में पीछे ना धकेल दे। फिलहाल स्पेस में अमेरिका ने अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन भारतीय स्पेस स्टार्टअप को अगर वहीं अपनी पहले वाली पोजीशन पानी है और चाइना की बराबरी करनी है, तो भारत को आगे बेहद कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।